नहीं कहते हैं कि हम तो चले जा रहे हैं। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से यही प्रश्न कर दिया, क्या कहा, जवाब दिया है, प्रभु एक बात बताओ, तुम चुपचाप जाते हो और इंसान को ले आते हो, अरे उसके परिवार वाले सब रोते रह जाते, घर वाले रोती रह जाती, बच्चे रोते रह जाते, सुनो आज के बाद तुम किसी इंसान को नहीं लाओगे, क्यों, लाओगे उसकी इच्छा अनुसार, जब तक वो आने को राजी ना हो तब तक तुम लेके नहीं आओगे। विष्णु भगवान हंसने लगे, जवाब दिया नारद पागल हो गए, तो सारी जिंदगी आने को मन ही नहीं करेगा इंसान। नारद बोले चुप रहो, हम हवन हजार लाए थे तुम्हारे और एक अच्छे दुखी इंसान में आने को तैयार है, उन्हें नहीं ला तो जवान जवान को उठा ला तो कभी कभार। जवाब दिया विष्णु भगवान ने, ऐसा करो आज से हम नहीं लेकर के आएंगे, तुम लेकर के आओगे और जब तक इंसान की इच्छा नहीं हो तब तक तुम नहीं लाओगे। नारद कहने लगे बहुत बढ़िया, अरे अरे आज से जो मृत्युदेव करते हैं आज से वो हम करने लगे। अब नारद जी चल मृतलोक में सोचने लगे, जो जाने जाने के लिए तैयार हैं हम उन्हें पहले ले जाएंगे और जो नहीं जाएंगे को तैयार हम उन्हें नहीं ले जाएंगे, वो अपने खूब बतलाओ खूब हंसो खेलो खाओ पियो सारे संसार में घूमे। नारद बाबा सोचने लगे हम दुखी दुखियों को ले जाएंगे, सबसे ज्यादा एक दुखी रहे 100 साल के बुढ़े चारपाई में धरे खुल खुल खांस रहे थे। नारद दूर से देख रहे हाथ जोड़ के कह रहे भगवान खांसी बुरी बीमारी है अब तो तू हमें उठा ले। नारद सोचने लगे हाँ जे जाना को तैयार है इन्हें ले जाएंगे हम। नारद गए जहां बुढ़े लेटे हथे खटिया पे मैं जाए के बैठे गए, बोले बाबा, और जो बाबा ने आवाज सुनी एकदम खांसी के बैठ गई, बोले कौन तुम नारद बाबा तुम, बोले हाँ परेशान हो। बुड्ढे कहने लगे अरे नारद बाबा का बताई भगवान उठाई के नहीं ले जात, बड़ा खांसी हो गई है। नारद कहने लगे अभी ले जाएगा भगवान, टेंशन ना लो क्यों, बोले भगवान ने हमें भेजा है और ये कहा है जब तक इंसान की इच्छा नहीं हो तब तक मत लेके आओ, जाओ जा जा की इच्छा हो भाई लेके आओ। तुम कह रहे हो भगवान नहीं लेता, चलो हमारे संग मैं शरीर के ले जाएंगे तुम्हें, घर वालों से बतला लो। जो ये बात सुनी हमें लेवे कुआ हुआ नारा दो करके पीट हम झाड़ो भाजे पर सोचने लगे हाय भगवान जी तो जिन सतो ही लेते आए वो जिंदा ही ले जाए रो न कहूं कान में दत्तो नहीं हाथ में दत्तो खाली खांसी खांसी में ही ले जाओ तो हमें। बोले हाँ 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 हम चलने को तैयार है बिल्कुल तैयार है चलो। बोले नारद कहने लगे चलो, हाथ जोड़ के बोले नारद बाबा चंत तो ही हम एक 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 छोटी सी दुविधा है। बोले कौन सी, क्या बात है बताओ। बोले एक आखिरी इच्छा है। बोले कौन, क्या कहना चाहते हो। बोले तुम्हें का बताएं, हमारे पास 4 ललाएं हैं, अभी 3 लला की शादी करते एक रह गए कुआरो, हम सोच रहे हैं हम बाकी शादी और कर जाएं, सोई तुम्हारे संग चले फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। नारद कहने लगे तुम्हारी जी इच्छा है तो ये बात ना है शादी कर लो तो ही ले जाएंगे, कितने दिन में हो जाएगी। बोले 10-15 दिन को टाइम दिए हमारे यहाँ सही शादी हो जाएगी। नारद चले गए। बोले कोई बात ना शादी कर लो, हम ऐसे नहीं ले जाएंगे, हम भगवान की तरह नहीं है, हम तुम्हें राजी से ले जाएंगे। नारद चले गए, लला की शादी हो गई और जो शादी हुई नारद फिर आ गए। बोले चलो और जो चलवे को नाम सुनो नारद को देखो हाय एक परी खून घट गया सोचने लगे फिर आ गए। बुड्ढे उठ के बैठ गए, बोले हाँ चलो 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 चलवे को तैयार है हम। बोले एक छोटी सी दुविधा है। बोले अब भी कोई शंका है। बोले हाँ क्या है। बोले नारद बाबा हम चंद है जो हमारे बड़े लला की बहू है, हाँ हाँ बाकी कछ होनहार है,
ज्यादा ना नापी को मोदी के लिए सोई चले, फिर हमें कोई दुविधा नहीं रहेगी, फिर हम सीधे तुम्हारे संग चले। नारद बाबा कहने लगे चलो कोई बात नहीं, नाती को मोदी के लिए हम जा रहे, जब इच्छा हो तब चलियो। नारद फिर चले गए, अब नाती वही गए, और जो नाती हो नारद सोचने लगे लाभ विष्णु भगवान हमसे जरूर कहेंगे, किसी को नहीं ला पाई। पहुंची, फिर पहुंच गए नारद बाबा बुढ़े के पास, बोले बाबा चलो। और जो नारद की आवाज सुनी टुकरा एक हाथ में लेकर खटिया, बोले फिर आएगा, बोले हाँ चले चले हम चलेंगे, अभी चलेंगे। लेकिन नारद एक छोटी सी दुविधा, बोले अब क्या है? बोले हम जो सोच रहे हैं, जो बड़े लला की बहू के लला बहू है, बाकी मोहसिन एक बाबा बाबा को शब्द सुन ले, ने बाबा बाबा को शब्द कानन से सुन ले, सोए हम चले, फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर हम सीधे तुम्हारे संग चले। नारद फिर लौट कहने लगे, ये तो हमें बहुत अच्छे बेवकूफ बना रहे हैं, अब लला बाबा बाबा कहने लगो। नारद फिर चले गए, खूब भजन लगो, जवान हो गए नाती, खूब अच्छी तरह से बोलन लगो। नारद फिर है गए, जवाब दो बाबा जी, हमें पागल बना रहे हो, क्यों नहीं चल रहे हो, चले। जो ये बात सुनी फिर टुकरा उठ के बैठे गए, बोले नारद हाँ चलो चलो, एक छोटी सी दुविधा है। बोले अब क्या है? हम जी सोच रहे हैं नाती को ब्याह और कर जाए, नाती को ब्याह हो जा तो हमें कोई टेंशन नहीं रहती, हम फिर आराम से तुम्हारे संग चलते। नारद को क्रोध आ गया, हाथ जोड़ के जवाब दिया, बुढ़े तुमने तो हमें बेवकूफ ही बना दिया, अब चाहे नाती को ब्याह करो, चाहे नतनी को ब्याह करो, चाहे हतनी को ब्याह करो, हम चले विष्णु भगवान के दरबार में। और चले और हाथ जोड़ के विष्णु के हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया है धन्य प्रभु, तुम सच करते हो जो चुपचाप ले आते हो, क्यों अपनी इच्छा से आने को कोई राजी नहीं होगा, कोई राजी नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय, आओ आओ जयकारो कैसे लगे, ऐसो तमाया चावल माए अंदर ही अंदर मत चावल चाव रहे हो, क्योंकि चावल चंबा होते हैं जगह जगह, दो लाइन का भजन बोलते हैं सभी कीर्तन भगवान के चरणों में। अरे यमुना किनारे खड़े हमारे श्याम Thank you.
हरिहर गंगा मैया के किनारे सुखदेव जी महाराज समझाने लगे हैं, जवाब दिया है हे राजन परिचर, सुदामा की सुंदर सी शादी होकर के आई घर में। शादी क्या नाम था? सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला, सुशीला नाम की घर में पत्नी सुदामा की आई। एक दिन सुदामा मन में विचार करने लगे, लेकिन भाइयों विवाह तो हो गया सुदामा का। सुदामा का विवाह होने के बाद सुदामा को जो शराप लगा था कि जाओ सुदामा तुम निर्धन हो जाओ, जो गुरमैया ने शराप दिया था वो शराप उमड़ने लगा। उमड़ने लगा, कैसे उमड़ने लगा? सुदामा गरीब होने लगे, गरीब होने लगे। सुदामा गरीब है और गरीब है, इतने गरीब है सुदामा के भीख मांगने पर मजबूर है। भीख मांगने पर अब सुदामा जब गरीबी आ गई, सुदामा गरीब इतने हो गए भीख मांगने जाने लगे इधर उधर गाँव में, अपने गाँव में। सुदामा सोचने लगे क्या करूं, अब मैं क्या करूं। एक दिन